हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जो टेन मे को आप बाय कर सकते हैं एंड इन्हें मैं लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्ट करूंगी बिफोर मूविंग अ हैड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड हमारा पहला शेयर होगा कैनरा बैंक टारगेट इसका वन रहेगा स्टॉप लॉस वन बाइंग लेवल आप इसको करेंट प्राइस पर बाय कर सकते हैं विद इन वन वी विद इन वन वीक आठ से नौ का रिटर्न आपको ईजीली मिल जाएगा बहुत अच्छा रिटर्न होता है आठ से नौ परसेंट एक वीक में मिलना अगर आप अगर आप दस हजार रुपये लगाते हैं तो ईजिली आपको हजार पंद्रह सौ रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा तो विद इन वन वीक आप वन वीक में इसको होल्ड करके रखें और हमारा नेक्स्ट शेयर होगा पी एन बी पी एन बी बैंक टारगेट इसका थर्टी नाइन पॉइंट फाइव रहेगा स्टॉप लॉस थर्टी फाइव बाइंग लेवल करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं इसको आने वाले वीक में थर्टी नाइन पॉइंट फिफ्टी या चार्लर्स भी जा सकता है ये आपको इसको वन वीक तक होल्ड करना है अगर आप इसको ख़रीदते हैं तो थर्टी सिक्स रुपीज़ करेंट प्राइस है इसका बट अगर दस या बारह परसेंट का रिटर्न दे जाता है एक शेयर एक हफ्ते में तो इट्स अ गुड शेयर राइट और रिलायबल भी है ये एंड लार्ज कैपिटल शेयर है नेक्स्ट शेयर हमारा साउथ इंडियन बैंक टारगेट इसका ट्वेंटी रुपीज़ रहेगा स्टॉप लॉस एट एट रुपीज़ लेवल एट या फिर करंट प्राइस पर इसको बाई कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए बोल रही हूँ मैं इस शेयर को एक साल के लिए रखिए आप इसको बीस रुपये का टारगेट दिखाई देगा आपको एक साल में अगर एक लाख रुपये दो लाख रुपये बनाने हैं तो ये बैट तो खेलनी पड़ेगी ज़्यादा रिस्क नहीं है मीडियम रिस्क और हाईली रिवॉर्ड शेयर है ये एक साल के लिए रखिए आप इसको एक लाख रुपये लगाइए और एक साल में दो लाख रुपये बनाइए इसको और uh, ये मैंने कहती कि ये एक महीने में ही बढ़ जाएगा या दो महीने में ही बढ़ जाएगा अभी नहीं बढ़ने वाला लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के लिए है ये तो इसको लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखिए तो हाईली रिवॉर्ड देगा ये साउथ इंडियन का बैंक है साउथ इंडियन बैंक इनकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होती रहती है फॉरेन डील्स काफ़ी होती है तो रिलायबल शेयर है ये सो गाइज़ डू लेट मी नो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी एंड साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर राय लेना एंड थैंक यू वेरी वेरी मच